आगे बढ़ते हैं। यूपी में पूरे होंगे चुनावी वादे। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट, यूपी का सबसे बड़ा बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं ये बजट। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल। माननीय, हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को मोचन कराया गया। गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 17-18 से 2021-22 तक के सापेक्ष 16 मई 2022 तक 1,72,745 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया, जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10,662 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है। ये धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से 77,500 करोड़ रुपए अधिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हमने इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कराया, जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। कोविड कालखंड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाए रखने हेतु विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया गया। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे, जल मार्ग, हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, ड्रग पार्क।